मटन वाला और मछली वाले की लड़ाई। एक शहर में बंतू का एक मटन का ठेला था। उसका मटन बहुत ही मशहूर था। लोग दूर दूर से उससे मटन खरीदने आते थे। वह तरह तरह के मटन के पकवान बनाकर बेचता था। उसका काम सही चल रहा था। भाई बंतू, मजा आ गया मटन टिक्का खाकर। शुक्रिया जनाब। तभी एक दिन उसके ठेले के सामने मछली वाले नंदू ने अपना ठेला लगाया। मछली वाले नंदू का उस शहर में बहुत नाम था। उसकी बनाई फिश फ्राई बहुत बिकती थी। एक दिन एक ग्राहक ने बंतू से कहा, अरे बंतू, तुम्हारे आधे ग्राहक तो मछली खाने सामने जाते हैं नंदू के पास। ये नंदू ने मेरे ठेले के सामने अपना ठेला खोलकर अच्छा नहीं किया। इससे मेरी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। उधर बंतू के ठेले पर ग्राहक देखकर नंदू ने सोचा, जब से मैंने यहाँ अपनी दुकान खोली है, ये बंतू ने अपना मटन सस्ता कर दिया है। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन नंदू ने अपने ठेले के आगे एक लड़का खड़ा कर दिया, जो जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, फिश फ्राई के साथ फिश टिक्का मुफ्त। आइए आइए, फिश फ्राई के साथ फिश टिक्का मुफ्त। यह देखकर बंतू ने भी बोर्ड लगा दिया, मटन के साथ रुमाली रोटी मुफ्त। अब बंतू की दुकान का मटन भी ज्यादा बिकने लगा। काफी दिन बीत गए। दोनों का ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बंतू की दुकान पर ग्राहक कहने लगे, अरे बंतू, कितनी बदबू आ रही है मछली की। यहाँ तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अरे बंतू, तुम कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं भाई साहब, मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ। मेरा एक दोस्त म्यूनिसिपल में है, तुम कहो तो नंदू का ठेला हटवा दूं। हाँ भाई साहब, ये ठीक रहेगा। अब मजा आएगा। इसे मेरे ठेले के आगे अपना काम शुरू करने की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगले ही दिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आती है और नंदू का ठेला उठाकर ले जाने लगती है। तभी नंदू कहता है, अरे आप सिर्फ मेरा ही ठेला क्यों उठा रहे हो, सामने वाले का भी तो लेकर जाओ। और नंदू की शिकायत पर म्यूनिसिपल वाले बंतू का ठेला भी उठाकर ले जाते हैं। इस तरह आपस की लड़ाई में और लोगों के बहकावे में आकर दोनों की ही दुकानें बंद हो जाती हैं। वह दोनों अपनी गलती पर पछताते हैं। मुझे लग रहा था नंदू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हमें आपस में बात करनी चाहिए, वरना हमारी लड़ाई में लोग फायदा उठाएंगे। हाँ बंतू, तुम ठीक कहते हो। तुम मटन बेचते हो और मैं मछली। जिसे जो खाना है वही खाएगा ना। और अब दोनों में सुलह हो गई और उन्होंने एक दूसरे के काम में फिर कभी कोई अड़चन नहीं डाली। जादुई चश्मा। रामू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी का पुराना सामान कबाड़ आदि खरीदने का काम था। वह लोगों से पुरानी चीजें खरीदते और उन्हें बेच देते थे। एक दिन उन्होंने रामू से कहा, अरे रामू, सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करता है, चल मेरे साथ चल आज। नहीं पिताजी, मुझे यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो घर में बैठा बैठा क्या करेगा, तेरा तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। नहीं पिताजी, देखना एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि बिना मेहनत के ही अधिक पैसे कमा लूँगा। लेकिन रामू के पिता उसे जिद करके अपने साथ ले जाते हैं। कबाड़ी वाले पुराना सामान दे दो, कबाड़ी वाले टीन टप्पर अखबार वाले। वह दोनों आवाज लगाकर लोगों से पुराना सामान लेते हैं। तभी एक औरत उन्हें आवाज लगाती है, अरे भाई कबाड़ी वाले, इधर आना, जरा कुछ पुराना सामान है, इसे ले जाओ। वह दोनों उसके घर जाकर पुराना सामान ले लेते हैं। तभी उस पुराने सामान में रामू की नज़र एक चश्मे पर पड़ती है, जो कि एक कोने में पड़ा था। रामू की उससे पूछता है, अम्मा जी, क्या है, चश्मा भी बेचने के लिए रखा है? हाँ हाँ, ले जाओ, पुराना सा कोने में पड़ा रहता है। रामू उस चश्मे को उठाकर अपने पास रख लेता है। वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन रामू वह चश्मा पहनकर खेलने के लिए चला जाता है। तभी अचानक रामू चश्मा पहनकर एक ऑटो वाले को देखता है। उसके कान में फिर से आवाज आती है, अभी इस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी इस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाएगा। वह जाकर ऑटो वाले को बोलता है, भैया भैया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम उधर मत जाओ। ठीक है, मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। अगर एक्सीडेंट होने वाला होगा तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, नहीं तो। वह वैसा ही करता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ऑटो वाला रामू को पैसे देता है, यह लो बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है।
वह समझ चुका था कि इस चश्मे में जादुई ताकत है और वह लोगों को उनका भविष्य बताकर उनसे पैसे ले लेता था। देखते ही देखते उसके पास काफी पैसे हो गए थे। देखो पिताजी, मैंने इतना पैसा कमाया है, वह भी बिना मेहनत के। उसके पिताजी उससे पूछते हैं तो वह उनको सारी बात बता देता है। बेटा यह गलत है, लोगों को डराकर उनसे पैसे लेना गलत बात है। पर रामू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। एक दिन वह चश्मा पहनकर शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसके कानों में आवाज आती है। तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, बाहर मत निकलो। और रामू डर जाता है। वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तभी उसकी माँ उसको समझाती है। अरे बेटा, इस चश्मे को जला दो। आज तक जितना पैसा तुमने लोगों से लिया है उसको भगवान के मंदिर में चढ़ा दो। रामू ने वैसा ही किया और वह सुख से रहने लगा। इसीलिए कहते हैं, मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली धन होता है। लालची सब्जी वाला। एक समय की बात है, डूंगरपुर गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी रहता था। वह जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। एक दिन, अरे चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना दे दो। हाँ, लाती हूँ। और खाना लेकर प्रकाश काम पर चला जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी वहीं काम करता था, जिसका नाम था राजकुमार। वह बहुत ही लालची था। अरे प्रकाश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? हाँ, कल ही सब लोग अपनी नानी के यहाँ गए हैं। तो चलो आज शाम को मेरे साथ घर चलो, हमारे साथ ही खाना खाना। दोनों काम खत्म करके शाम को प्रकाश के घर आते हैं। आइए भाई साहब, नमस्ते, कैसे हैं आप? आपके घर में सब ठीक तो है ना? भाभी को नहीं लाए साथ में? हाँ बहन जी, सब ठीक है। आपकी भाभी अपने मायके गई हुई है। क्या ठीक है भाई साहब, आप लोग मजदूरी करते हैं और मुनाफा तो जमींदार ले जाता है। तो हम कर ही कह सकते हैं चंपा। आप लोग मिलकर एक सब्जी का ठेला लगा लीजिए। आप लोग सब्जियां उगाते हैं तो खुद ही बेच कर देखिए, काफी मुनाफा मिलेगा। चंपा की बात मानकर अगले ही दिन से राजकुमार और प्रकाश दोनों मिलकर गांव के बाजार में एक सब्जी का ठेला लगा लेते हैं। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। देखते ही देखते उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। एक महीने बाद, अरे प्रकाश, तेरी बीवी तो बहुत समझदार है, देखो हमें कितना मुनाफा हुआ है। और वह दोनों मुनाफे का पैसा आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन घर पहुंचकर राजकुमार के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, क्यों ना मैं सारा ही ठेला खुद चला लूं। अगले दिन वह प्रकाश से आकर कहता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, हिसाब में गड़बड़ी की है। राजकुमार उन्हें ठेला देने या फिर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की धमकी देता है। अरे नहीं, आप पुलिस में शिकायत मत कीजिए, आप हमारे पैसे वापस दे दीजिए जो हमने इसमें लगाए हैं, और ठेला आप ही रख लीजिए। अगले दिन से राजकुमार अकेला ही सब्जी बेचने निकल जाता है और उसकी सारी सब्जी बिक जाती है। लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कैसे अधिक मुनाफा कमाया जाए। तभी उसकी बीवी रामकली उससे कहती है, मैंने शहर में देखा था सब्जी वाला, सब्जियों को रंग में डुबो कर बेचता है, उससे सब्जियाँ और ताज़ा लगती है और मुनाफा भी बहुत होता है। अगले दिन से राजकुमार ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो पुरानी सब्जियों को रंग भरे पानी में डुबोकर अगले दिन बेच देता था। गांव के डॉक्टर ने एक दिन राजकुमार को सब्जियों में रंग लगाते देख लिया और पुलिस को बता दिया। पुलिस आकर राजकुमार को पकड़कर ले गई। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी से किया गया काम ही फल देता है। डाकू और चील। एक नगर में एक बहुत समझदार राजा भानु प्रताप राज करते थे। उनके शासन में सब लोग अपना काम अच्छे से करते थे, सब और अच्छा चल रहा था। बस एक ही गड़बड़ थी, उस नगर के बाहर चोरों का एक गिरोह था जो नगर में आने जाने वाले सभी लोगों को तंग करता था। एक बार नगर के पड़ोसी राज्य की राजकुमारी किसी काम से आ रही थी,
चोरों ने उसकी पालकी को अगवा कर लिया। जब राजा को पता चला, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मेरे राज्य में कोई मेहमान आए और उसके साथ ऐसा हो जाए। सेनापति, कुछ करो और उस राजकुमारी का पता लगाओ। ऐलान कर दिया जाए कि जो भी पड़ोसी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति राजमहल में आया। राजा जी की जय हो, मेरा नाम भुवन है और मैं पड़ोसी राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है, संभाल कर जाना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। भुवन एक बड़े से संदूक को लेकर नगर से बाहर निकला। उस्ताद देखो, एक व्यक्ति इधर ही आ रहा है, उसके पास एक संदूक भी है, चलो उसे लूटते हैं। वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति गायब हो गया। अरे वो कहाँ गया? भुवन को पक्षियों की भाषा समझ में आती थी। उसने दो चिड़ियों को बातें करते सुन लिया था कि चोर वहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से छुप गया। वो थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसे एक चील मिली। चील चील, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि चोरों ने पड़ोसी राजकुमारी को कहाँ छुपाया है? क्या तुम मेरी भाषा समझ पाओगे? हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। देखो, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ से एक रस्सी बंधी है। जब कोई उस रस्सी को खींचता है तो पास की चट्टान में गुफा खुल जाती है, उसी गुफा में राजकुमारी कैद है। चील, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम राजकुमारी को गुफा से निकाल लो और चोरों को कहीं बंद कर दो। आओ चलो, यही करते हैं। भुवन ने गुफा खोलकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और वहीं पेड़ पर छुप गया। जब चोर आए तो उसने उन्हें गुफा के अंदर जाते देखा और गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और फिर राजकुमारी को लेकर राजमहल आ गया। राजा ने उसे बहुत धन दिया और अपना सलाहकार भी बना लिया। सीख, अच्छे इंसान की मदद पक्षी भी करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब।